हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर प्रेस करें। वेलकम टू आवर YouTube चैनल, डोंट फॉरगेट टू लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर द वीडियो। ಅಲ್ಲ ಐದೇ ಮಂದಿ ಇದ್ರೆ ನೀವು ಟೈಮಿಂಗ್ ಏನು ಹೆಚ್ಚು ಕಡಿಮೆ ನಾವು ರಿಲ್ಯಾಕ್ಸೇಷನ್ ಕೊಡ್ತೀವಿ, ಅದ್ರ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇಲ್ಲ. ಐದು ಮಂದಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಇರಬೇಡ್ರಿ, ಅವ್ರು ಒಂದ್ ತಾಸು ಇರಲಿ ಎರಡು ತಾಸು ಅಲ್ಲೇ ಇದ್ರು ಏನ್ ತೊಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲ. ಐದು ಮಂದಿ ಅದ್ರೊಳಗೆ ನಮ್ಗೆ ಮಾಮಿ ಇರ್ತಾವ, ಹೌಸ್ ಏನ್ ಇರ್ತಾವ, ಸೀನಿಯರ್ ಕುತ್ರಲಿ ಇರ್ತಾವ, ಒಂದ್ ಐದು ಐದು ನಿಮಿಷ ಹತ್ತು ನಿಮಿಷ ಹೆಚ್ಚು ಕಡಿಮೆ ಆಯ್ತಂದ್ರೆ ಆಮೇಲೆ ಸರ್ಕಾರದವ್ರು ಕಂಪಲ್ಸರಿ ವಿದೌಟ್ ಮಾಸ್ಕ್ ಕೇಸ್ ಹಾಕಲು ಕೇಳಿದಾರೆ. ಸಿಟಿ ಒಳಗೆ ಎಂಟು ಟೀಮ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್ ರೆವೆನ್ಯೂ ಪೊಲೀಸ್ ಕೂಡಿ ಎಂಟು ಟೀಮ್ ಅದಾವ. ಐದು ಮಂದಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಗೋಡೆ ರೋಡ್ ಮೇಲೆ ನಿಂತರು ಕೂಡ ಕೇಸ್ ಹಾಕೈತಿ. ಹೋದ ವರ್ಷ ಕೇಸ್ ಆಗುದು ಬರೀ 5,000 ರೂಪಾಯಿ ದಂಡ ಇತ್ತು, ಈಗ 25,000 ರೂಪಾಯಿದಿಂದ 2,00,000 ವರೆಗೂ ದಂಡ ಕಟ್ಟಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಯೋಜನ ಇದೆ ಮ್ಯಾಜಿಸ್ಟ್ರೇಟ್. ಅದಕ್ಕೆ ಅದಕ್ಕೆ ಅನ್ನೆಸೆಸರಿ ಖಾಲಿ ಗೋಳೆ ಮಾತಾಡ್ಕೋ ನಿಂದ್ರದು, ಹರಟಿ ಹೊಡ್ಕೋ ನಿಂದ್ರದು ಹುಡುಗರಿಗೆ. ನೀವಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದವ್ರು ಯಾರು ನಿಂದ್ರದಲ್ಲ, ನಿಮ್ ನಿಮ್ ಹುಡುಗರಿಗೆ ಒಂದ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೇಳ್ರಿ. ಕಮಿಟಿ ಒಳಗೆ ಇಟ್ಟು ಮಸೀದಿ ಒಳಗೆ ಬಯಾನ್ ಮಾಡಿ ಎಲ್ಲರೂ ಹೇಳ್ಬೇಕು. ಅದಕ್ಕೆ आप देख रहे हैं न्यूज ट्रैक में आप तमाम लोगों का स्वागत है और इस्तकबाल है. आज तमाम खबरें आपके खिदमत पेश है. सबसे बड़ी खबर जिस वक्त हमारे दरमियान चल रही है वो है लॉकडाउन एंड नाइट कर्फ्यू. लॉकडाउन और नाइट कर्फ्यू के बारे में आप तमाम को मालूम हो चुका है, लेकिन हम आपको ये बताना चाहते हैं कि नाइट कर्फ्यू कब से शुरू होगा और लॉकडाउन कब से शुरू होगा. नाइट कर्फ्यू शुरू हो रहा है आज रात 9 बजे से कल सुबह 6 बजे तक. इसके बाद शुरू होगा हफ्तावार लॉकडाउन, साप्ताहिक लॉकडाउन और वीकेंड लॉकडाउन. बात करते हैं नाइट कर्फ्यू की. नाइट कर्फ्यू तमाम रियासत में इसलिए लगाया गया है कि कोरोना वायरस की वबा से फैलते हुए मरीजों की तादाद दिन ब दिन बढ़ती जा रही है. इस वबा को कंट्रोल करने के लिए हुकूमत ने फिर से एक नए गाइडलाइन जारी किए हैं, जिसमें नाइट कर्फ्यू और हफ्तावार लॉकडाउन का ऐलान किया है. लॉकडाउन 23 अप्रैल से शुरू होगा और 4 मई तक रहेगा. लॉकडाउन के दरमियान तमाम चीजें बंद होगी, जैसे स्कूल, कॉलेजेस, जिम्स, मॉल, सिनेमा हॉल. शादी के लिए सिर्फ 200 लोगों की इजाजत दी जाएगी और अंतिम संस्कार यानी तकफीन के लिए सिर्फ 50 लोगों को इजाजत नामा दिया जाएगा. अगर आप अपनी शादी घर में करना चाहते हैं तो सिर्फ 100 लोग ही मौजूद होंगे और हॉल में करना चाहते हैं तो इसकी तादाद सिर्फ 200 लोग ही होंगे. इसके अलावा सियासी जलसे भी नहीं मुनक्कद कर सकते आप. मसाजिद फिल वक्त बंद कर दिए जाएंगे, जहां पे सिर्फ और सिर्फ इमाम और वहां के मैनेजमेंट कमेटी नमाज अदा कर सकेगी. पिछले साल भी हमने पूरा रमजान बगैर मस्जिद गए हुए अपने तमाम नमाज और तरावी घर में अदा किए. फिर से एक बार हम पे आफत आ पड़ी है. हम तमाम दुआ करते हैं कि कोरोना वायरस जल्द से जल्द इस दुनिया से चले जाए और लोगों की जिंदगी में सुकून अता फरमाए. कर्नाटका में कोरोना वायरस की वजह से जो मुतासिर होने वाली रियासतें हैं उसमें मैंगलोर, मैसूर, उडुपी, बीजापुर, गुलबर्गा ऐसी रियासतें मौजूद हैं, जिसकी वजह से हुकूमत कर्नाटका को फिर से एक बार लॉकडाउन करने की जरूरत पेश आई. दरमियान जरूरती जिंदगी की तमाम चीजों की दुकानें खुली रहेंगी, जहां पे सिर्फ 4 घंटे में आप अपनी शॉपिंग कर सकते हैं. नाइट कर्फ्यू और लॉकडाउन में बहुत से रेस्टोरेंट बंद होंगे, लेकिन टेक अवे की फैसिलिटी वहां पे मौजूद होगी. इस लॉकडाउन और कर्फ्यू की वजह से जो सबसे बड़ा नुकसान हो रहा है वो है स्टूडेंट्स. स्कूल और कॉलेज को गए हुए इन्हें 1 साल हुआ है और 1 साल में उन्होंने ऑनलाइन क्लासेस के जरिए अपनी तालीम मुकम्मल करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद भी जब भी कोई कोविड-19 की वबा का जिक्र होता है तो सबसे ज्यादा नुकसान होने वाले में स्टूडेंट्स ही हैं. इसके बाद सबसे ज्यादा नुकसान होता है उन गरीब लोगों का जो हर रोज कमाकर अपना पेट पालते हैं. गरीब लोगों का कहना है कि जब लॉकडाउन लग जाता है, जब कर्फ्यू लग जाता है, हम जैसे लोग कहाँ जाए और क्या करें, क्योंकि पास में कोई ऐसा
जरिया माश है जिसके बदौलत हम अपना घर चला सके। हुकूमत को भी चाहिए कि कोरोना वायरस के चलते हुए जो कर्फ्यू लगाया जाता है, जो लॉकडाउन लगाया जाता है, जो गरीब लोग हैं उनकी किसी न किसी तरह से मदद की जाए। रमजान का महीना चल रहा है और हम तमाम लोग तरावी अदा करने के लिए मसाजिद जाते हैं, अपना रोजा इफ्तार करने के लिए मसाजिद जाते हैं, लेकिन लॉकडाउन की वजह से अब ये सिलसिला भी खत्म होने को। एक से नाइन्थ स्टैंडर्ड के स्टूडेंट को अगली क्लास के लिए प्रमोट किया गया है, लेकिन ये प्रमोशन उनको तभी मिलेगा जब उनका पिछला रिकॉर्ड इवेल्युएट किया जाएगा, मार्कशीट को देखने के बाद ही उनको अगली क्लास में प्रमोट किया जाएगा। आप देख रहे हैं कोविड 19 की टेस्टिंग के लिए बहुत से सेंटर्स खोले गए हैं, जैसे कि केली मेडिकल कॉलेज है, डेंटल कॉलेज है, लेक व्यू गोवेज पे जहां आप अपना कोविड का टेस्ट करा सकते हैं, और घर पे आने की सहूलत भी वहां पे मौजूद है। आप चाहें तो यहां पे बताए हुए नंबर पे उन्हें कॉल करके उन्हें घर पे भी बुला सकते हैं और अपना कोविड टेस्ट करा सकते हैं। बहुत से एनजीओ हैं जो पिछली बार भी अपना काम बहुत ही खुश असलूबी से निभाने के बाद लोगों के दिल में उनका नाम घिर चुका है, और इसमें सबसे बड़ा नाम है कादर भाई घी वाले, मुदस्सर तेरनेकर, और ऐसे बहुत से अपराध हैं जो रात दिन कोविड 19 से मुतासिर होने वाले लोगों की खिदमत में लगे हुए हैं। अगर आप अपनी तबीयत में कुछ बोझल सा महसूस करते हैं और आपको शक है कि आपको कुछ हो रहा है, तो इन तमाम लोगों से आप रابطہ कायम कर सकते हैं। इकरा फाउंडेशन से अंजुमन इस्लाम जिला बेलगाम है, बागवान कमेटी है, खादिमेन है, मदीना फाउंडेशन है, इन तमाम के नंबर या स्क्रीन पे दिए गए हैं। इन तमाम लोगों से, इन तमाम एनजीओ से आप रابطہ कायम कर सकते हैं जो दिन रात आपकी खिदमत के लिए हाजिर हैं। आप देख रहे हैं कोविड 19 की वबा चलती है, लोगों के सामने एक बड़ा मसला ये खड़ा होता है कि हॉस्पिटल्स में उनके लिए ना बेड दस्तियाब होते हैं, ना वेंटिलेटर दस्तियाब होते हैं, ना ही वहाँ का स्टाफ उनसे अच्छा सा सलूक करता है। इसकी शिकायतें हैं, लेकिन इसमें शिकायतों में ऐसी कोई बात भी नहीं है, लेकिन किसी भी रिश्तेदार के गुस्से को हम लोग काबू भी नहीं कर सकते। ऐसा ही किस्सा पुणे के एक हॉस्पिटल में हुआ, जहाँ पे कोविड 19 से मुतासिर होने वाले एक शख्स की मौत की वजह से वहाँ के हॉस्पिटल के 3 स्टाफ को बुरी तरह से पीटा गया, जिसे हॉस्पिटल के मैनेजमेंट ने पुलिस में इन तमाम लोगों की शिकायत की। आप देख रहे हैं दूसरा किस्सा ये है कि सुनील पॉल एक कॉमेडियन है जो कभी लाफ्टर चैलेंज के विनर्स थे। उन्होंने एम्स के हॉस्पिटल में के डॉक्टरों का मजाक उड़ाते हुए उन्होंने ये कहा कि वहाँ के डॉक्टर बहुत ही जाहिल हैं और गवार हैं। इसके लिए इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज के डॉक्टरों ने तमाम मिलकर होम मिनिस्टर अमित शाह से इस बात की शिकायत की है कि सुनील पॉल को अच्छा सा सबक सिखाएं, क्योंकि सुनील पॉल ने हमारे खिलाफ ऐसी बेहोदा बातें कही हैं। आप देख रहे हैं मुंबई नगरी इस वक्त बेहद परेशान है। पिछले 40 साल पहले एक मैंने एक फिल्म देखी थी, फिल्म का नाम था हाथ की सफाई। उसमें एक डायलॉग था कि हिंदुस्तान से जब बच्चा भागता है तो सिर्फ बंबई पहुंचता है। उसी दरमियान मैंने और एक फिल्म देखी थी, फिल्म का नाम था बुनियाद, जिसमें एक एक्टर एक डायलॉग बोलता है, उसमें कहता है कि जिनके इरादे बुलंद होते हैं बंबई उन्हें कभी निराश नहीं करती। लेकिन ये बातें अब खौफ से हो गई। बंबई इस वक्त बेहद परेशान है, कोरोना वायरस के मरीजों की तादाद दिन ब दिन बढ़ती जा रही है, और कोरोना वायरस की दवाओं पे बहुत बड़ी सियासत की जा रही है। आज मैंने एक वीडियो देखा जिसमें पुणे के खातून ने हालिया हुकूमत के खिलाफ एक जहर उगला है, और उन्होंने कहा है कि सियासत आप बंद कर दें, यहाँ पे मरीज कोविड 19 की वजह से मर जा रहे हैं, लेकिन आपको सियासत की पड़ी हुई है। उन्होंने साबिक चीफ मिनिस्टर पे निशाना साधते हुए बहुत ही बुरा भला कहा, जो हम यहाँ पे आपको नहीं दिखा सकते। आप देख रहे हैं आईपीएल के मैचेस बड़े जोरों शोर से चल रहे हैं, लेकिन दिलचस्पी बहुत कम होती जा रही है। कल खेले गए मैच में दिल्ली कैपिटल्स ने मुंबई इलेवंस को 6 विकेट से हरा दिया। दिल्ली कैपिटल्स की ये पहली जीत है मुंबई इलेवन के खिलाफ, और टूर्नामेंट की ये दूसरी जीत है दिल्ली कैपिटल्स के लिए। सीएसके के मोइन अली इस वक्त बड़े फॉर्म में हैं, और जहां भी उन्हें मौका दिया जाता है वो बड़ा जबरदस्त अपने खेल का मुजाहिरा करते हैं। उनके एक टीममेट सैम करन ने कहा कि मोइन इज ऑन फायर, जब भी मोइन को मौका मिलता है अपने खेल का मुजाहिरा करते हैं और विकेट्स ले लेते हैं।
आप देख रहे हैं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर प्रेस करें। वेलकम टू आवर YouTube चैनल। डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर द वीडियो। आप देख रहे हैं।